ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एक्जैक्टली समझाया गया है विद डेमोंस्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम के अंदर अंदर। आपको सारे डेमोंस्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे। लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है, अगर वो 1.0 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो, या फिर आप पहले 1.0 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20-25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20-25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेई मेन 2019 के पेपर में से, और इसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होता उसमें भी हम लोग जो है सही कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सामने चार क्वेश्चन लिया है केमिस्ट्री के 2019 के पेपर में से, और इन चार क्वेश्चन में हम देखें किस तरीके से हम लोग को तुक्का लगाना है, ताकि इन चार में से आप सारे बच्चों के कम दो तो सही हो ही जाए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले, तो इस तरीके का हम एक चार्ट बना लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से आप सब बच्चों को अटेम्प्ट करना है। कमेंट सेक्शन में भी आप इस तरीके से लिखोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, पीछे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो कि ये चार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए, आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स, ये जो सारे तुक्के टेक्निक्स हैं, ये आपको तभी लगाना है जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं उसको आपको कर लेना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, जो छोड़ देते हो आप, उनमें आपको ये टेक्निक्स लगाने हैं। और ये टेक्निक्स हम इस तरीके से लगाते हैं ताकि आपके जितने गलत होते हैं उससे ज़्यादा आपके पॉजिटिव नंबर आ जाए और ओवरऑल आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर बूस्टअप हो जाए। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है सीखते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार ये वीडियोस देख रहे हो, तो आपको हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से 20-25 और वीडियोस देखो तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कितनी लॉजिकल और कितना ज़्यादा हो सकता है ये चीज़, ठीक है ना। और इसके साथ में अगर आपको यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ इन चीज़ों से आपका फायदा हो रहा है, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पूरे पूरे पेपर में ऑन स्पॉट लेटेस्ट 2021 2022 ये सारे पेपर्स में हमको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और वहाँ पे पूरे ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की जो टेक्निक्स होती है, कैलकुलेशंस, आपके बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ट्रिक्स से क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, विद प्रूफ, है ना, विद डेमोंस्ट्रेशन, सब कुछ उसके अंदर में आपको मिलेगा। कॉम्बो कोर्स आप 20-25 घंटे में आप कवर अप कर सकते हो, तो अगर आपके पास में कुछ दिन भी बचे हुए हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हो कॉम्बो के अंदर में। अदरवाइज 1.0 2.0 3.0 तो है ही सही, कॉम्बो में आपको पूरा तीनों चीज मिल जाएगा एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी होगा, आप हमारी टीम को मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे कोई क्वेरीज के लिए। यहां पर चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन चारों में हम लोग तुक्का लगाएंगे, तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए तुक्का लगाने का टेक्निक भी अलग अलग होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आप देखो, मैंने आपको कई बार बताया, पहले भी दोबारा बता रहा हूँ, कभी भी आपको कोई भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो पावर है वो इस तरीके का स्पेसिफिक हो, है ना। एक तो देखो रेसिप्रोकल है आपस में, तो बहुत हाई चांसेस बनता है। मैंने आपको बताया कि चार ऑप्शन कभी भी आपको दिए हो जिसमें दो ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो, मान लो आपके ऑप्शन हो 3, 2, 1/2 और 1, तो ऐसे ऑप्शन अगर आपके पास में चार हो तो 2 और 1/2 ये जो आपस में रेसिप्रोकल है ना, इनमें आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको कई बार पिछले एपिसोड्स में बताया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखो 2/3, 3/2 आपस में रेसिप्रोकल है, पावर पावर भी तो रेसिप्रोकल हो सकता है, तो 2/3, 3/2 आपस में रेसिप्रोकल है, तो काफ़ी हाई चांसेस बनता है कि ए और बी में से आंसर होगा। उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसे स्पेसिफिक पावर आपको दिख जाए 2/3, 3/2, 90% केसेस में इस टाइप के ही आंसर होते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल पावर दिख रहा है p² p³ p^4 p^6 तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आपको चार में से कोई एक या दो ऑप्शंस इस तरीके के दिख जाए, पावर 2/3, 3/2 ऐसा स्पेसिफिक फ्रैक्शन में आपको दिख जाए, तो आप उसको मार्क करना। और उस पर भी आप एक चीज देखो, आप अगर डायग्राम को भी देखोगे तो डायग्राम में भी आपको 2 और 3 दोनों ही चीजें दिख रही हैं, है ना। तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि 2, 3 दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आंसर में। तो आप क्या, स्टूडेंट अक्सर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, तो यार छोड़ो मत ना, आपको फील तो आ ही रहा है ना कि सी और डी आंसर नहीं हो सकता, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। यहाँ पर भी 2, 3 है, है ना, 2, 3, 3, 2 आपस में रेसिप्रोकल भी है, और मैंने बताया भी है कि ऐसा स्पेसिफिक फ्रैक्शन अगर आपको दे दे पावर में तो आप उसको मार्क किया करो। तो आप ए और बी में से ना यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो, ए और बी में से आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो, है ना, आपके चांसेस काफ़ी हाई है सही होने के, ठीक है। देखो नेगेटिव होता है -1, सही होने पे होता है +4, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% चांसेस है आपके सही होने के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव जितना होगा उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव होगा अगर सही हो गया तो, और नेगेटिव या पॉजिटिव होने के चांसेस लगभग बराबर है अभी आपके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक्सट्रीम का फंडा लगाते हैं। एक्सट्रीम का फंडा से बहुत सारे बच्चे फेमिलियर हो गए होंगे। एक्सट्रीम का फंडा मतलब क्या होता है, सबसे बड़े वैल्यू को आप काट दो और सबसे छोटे वैल्यू को आप काट दो। सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 3 है इन चारों में से, और सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे 1 है इन चारों में से, बीच वाले वैल्यूज क्या है 2 और 1.5, तो इनमें आपको तुक्का लगाना है, ए और डी में से आपको तुक्का लगाना है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ये आपको तभी यूज करना है जब आपसे कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आपको इस तरीके के नंबर्स दिए हुए ऑप्शन में, ठीक है, तब आपको एक्सट्रीम का फंडा लगाना है। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या, मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि जो टीचर है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं अपने करेक्ट आंसर को जो है बीच में छुपाने का ट्राई करता है, राइट। इससे क्या होता है, उसको अच्छी फीलिंग आती है, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसका आंसर एकदम एक्सट्रीम में एक्सपोज हो जाए। अगर यहाँ पे 2 आंसर होता लेट से, तो वो यू नो या ये यहाँ पे मान लो अगर 3 आंसर होता लेट से, तो वो क्या करता, एक और ऑप्शन 4 भी दे देता, समझ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि अगर 3 आंसर है तो 3 से बड़ा भी एक ऑप्शन दे दे, समझ रहे हो। इसीलिए 3 को हमने काटा कि 3 एक्सट्रीम में है। सपोज कर लो आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8, तो चांसेस हाई है 6, 7 में आंसर होगा। अगर आप मान लो आप एक टीचर हो, आपने क्वेश्चन बनाया और आपको पता है कि करेक्ट आंसर आपका 11 है, ठीक है, तो आप थोड़ी ना ऑप्शन 11, 12, 13, 14 रखोगे, या फिर 8, 9, 10, 11 थोड़ी ना रखोगे, ऐसे कोने में आप नहीं रखोगे। आप क्या करोगे पता है, ऐसा रखोगे 10, 11, 12, 13 बीच में 11 को डालोगे, या फिर 9, 10, 11, 12 बीच में 11 को डालोगे। ये अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, हर समय नहीं होगा, कभी कभी होगा एक्सट्रीम में आंसर हो जाएगा, कभी कभी होगा यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा या 1 आंसर, कभी कभी होगा, बट 10 में से 7-8 बार आपका ये एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, ठीक है। और जो हमारा जून अटेम्प्ट है ना 2022 का, उसमें ये बहुत काम किया है। आप लोग 3.0 कोर्स अगर इनरोल करोगे तो 3.0 में आपको दिखेगा कि किस तरीके से काम किया है, बहुत तगड़े तरीके से ये काम किया हमारा ये एक्सट्रीम वाला फंडा। काफ़ी सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर 2022 के पेपर में ट्रिक्स दिखाओ, 2022 भाई कोर्स में ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है, 2021-2022 कोर्स के अंदर में ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड है, हर पेपर कंप्लीटेड है, तो कोर्स में आप लोग एनरोल करके 2021 और 22 देख सकते हो। 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके भी करा दिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक नहीं लग रहा 2022 में, लगा के दिखा दिए 180+ क्वेश्चंस में लगा के दिखा दिए। 24 से 29 जून तक जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसके 180+ क्वेश्चंस में मैंने ट्रिक लगा के 3.0 कोर्स में दिखा दिए, ठीक है। सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर भी एक्सट्रीम का फंडा लगेगा, आप ध्यान से देखो, नहीं यहाँ एक्सट्रीम का फंडा नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे लगेगा सिमिलर ऑप्शंस का फंडा, सिमिलर ऑप्शंस। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो कि करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। तो टीचर आपको यहाँ पर 1/7, 1/7 के दो ऑप्शंस दे रहा है, समझ लो, टीचर आपको 1/7, 1/7 के दो ऑप्शंस दे रहा है, तो समझ लो कि करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा हुआ है।
ठीक है ना। तो आप हमेशा ये सोचो कि टीचर जब ऑप्शन बनाता है तो उसको करेक्ट आंसर पता होता है और फिर वो बाकी के तीन ऑप्शन बनाता है, तो उसके दिमाग में क्या चीज बार बार घूम रही है, समझो कि उसी में से आंसर है। तो बार बार उसके दिमाग में 1/7 घूम रहा था, 1/6 तो एक ही बार घूमा है ना, 1/9 तो एक ही बार घूमा, तो इन दोनों के आंसर होने के चांसेस कम है, लेकिन 1/7 दो बार घूमा तो 1/7 के आंसर होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टीचर के दिमाग में बार बार 1/7 घूम रहा था ना ऑप्शंस बनाते वक्त, इसका मतलब शायद 1/7 वाला ही आंसर रहा होगा, है ना। तो टीचर ने दो ऑप्शन दे दिया, वो सोचा कि आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन उससे हमें क्लैरिटी मिल गई कि ये दोनों आंसर नहीं है, है ना। अब अगेन ये वाले मेथड्स भी आपके हमेशा काम नहीं करेंगे, 10 में से 7-8 बार काम करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, हमें सारा सही नहीं करना है, जितने सही हो जाए वही हमको बहुत पॉजिटिव नंबर दे देगा। हम यहाँ पे मार्क्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे तुक्के से सब कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, हम यहाँ पे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं स्कोर को। सिलेक्शन से सीट तक का जो जर्नी है ना, आप सिलेक्ट तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हो, क्रैक करके बैठ रहे हो एग्जाम, ठीक है, फिर ड्रॉप लेते हो और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ड्रॉपर बैच में ज्वाइन करते हो, फिर अगले साल फिर सिलेक्शन होता है, फिर सीट नहीं मिलता है। मेरा पर्पस है कि आप सिलेक्ट हो जाओ, साथ में आपको सीट भी मिल जाए, और वो सिलेक्शन से सीट तक की जो जर्नी होती है वो पढ़ के तो होती है, लेकिन कई बार लास्ट मोमेंट में आप पढ़ नहीं पाते हो कम टाइम में उतना ज्यादा, तो ये सारे मेथड से होती है। कम टाइम में आप पढ़ के इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर लोगे जितना इन मेथड से कर लोगे, समझ रहे हो बात को। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये चीज की बहुत क्लैरिटी मिलेगी सिमिलर ऑप्शंस की। सिमिलर ऑप्शंस मतलब क्या, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है समझ लो कि करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है समझ लो कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो यहां पर टीचर आपको फर्स्ट वाले में देखना, B2O3 और B2O3 दो बार दिया है ना, H3BO3 एक बार दिया है, HBO2 एक बार दिया है, तो टीचर आपको दो बार B2O3 दिया है, तो क्या बोलते हैं, टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। सेकंड में आप देखोगे तो H3BO3 और H3BO3 दो बार दिया है, B2O3 एक बार दिया है और BH4 एक बार दिया है ना। तो आप देखो, ध्यान से देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का लगाने के लिए, ए, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का लगाने के लिए, ए। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ए में तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, और थर्ड में तो बी और डी में हमको तुक्का लगाना था, है ना, बी और डी में तुक्का लगाना था। सो ये चीज समझो कि टीचर आपको जो ऑप्शन बार बार दे रहा है ना, समझ लो कि टीचर के दिमाग में वो घूम रहा है बार बार, और वो घूम क्यों रहा है, क्योंकि शायद वही आंसर होगा। तो B2O3 दो बार घूमा फर्स्ट वाले के केस में, और H3BO3 दो बार घूमा सेकंड वाले के केस में, तो चांसेस हाई है कि फर्स्ट वाले का B2O3 और सेकंड वाले का H3BO3 आंसर हो सकता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप ए लगाओगे तुक्का, अंधा तुक्का मत लगाओ, थोड़ा सोच के तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस तो बढ़ाने हैं कम से कम, यस और नो। तो यहाँ पर यार इस तरीके से हमने इन चार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, आई नो आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, ठीक है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस थे यहाँ पर। इसे करेक्ट आंसर मैं आपको बताया था इनके क्या करेक्ट आंसर्स हैं। सो इसके जो हमारे करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं A A B A, ठीक है, A A B A, ये करेक्ट आंसर्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं A A B A। बाकी आप लोग वेरीफाई कर लेना, है ना, मैं गारंटी नहीं लेता, कभी कभी ना करेक्ट आंसर गलत भी होता है। A A B A, ठीक है, A A B A, लास्ट वाला तो एकदम ही करेक्ट करा दिया मैंने आप लोगों का, और बाकी तीन में से एक दो तो सबके सही हो ही जाएंगे, तो चार में से मिनिमम दो तीन तो सबके सही हो ही जाएंगे यहाँ पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप कितने सही हो यहाँ पे चार में से, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इनके आंसर की मैं बुक से देख के आपको बताता हूँ, तो कभी कभी आंसर की गलत हो जाते हैं 1% 2% केसेज में, तो माफ़ करना, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके ट्रिक लगेंगे, 70-80% टाइम्स एलिमिनेशन टेक्निक काम करेंगे, कभी कभी नहीं भी काम करेगा, वो ध्यान रखना आप लोग, है ना। और इन सब क्वेश्चन के अगर आपको आंसर एक्चुअल में वेरीफाई करना है तो आप खुद से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, या आप अपने रिसोर्सेज से चेकआउट कर लेना, बाकी जो आंसर की दिया हुआ था बुक वो मैं आपको आकर के बता दिया हूं, ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।